कहते हैं कि देवों के देव महादेव की उपासना इंसान को जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति दिला देती है। शिव की आराधना में तांडव स्त्रोत का पाठ करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आजीवन संकट से बचाने के लिए कवच का काम करता है। और रावण से बड़ा शिव भक्त शायद ही कोई और था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी का तांडव स्त्रोतम रावण ने ही निर्मित किया था और रावण को रावण का नाम महादेव ने ही दिया था। इस वीडियो में हम आपको शिव तांडव स्त्रोतम में छुपी इस बात और इस पूरे किस्से के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको स्त्रोतम के अर्थ का महत्व भी बताएंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें और हमारे साथ बोलें। मान्यता है कि एक बार रावण ने अपना बल दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था और जब वह पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे मात्र से कैलाश को दबाकर उसे स्थिर कर दिया। इससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से चिल्ला उठा, शंकर शंकर, जिसका मतलब था क्षमा करिए क्षमा करिए। और वह महादेव की स्तुति करने लगा। स्तुति को ही शिव तांडव स्त्रोत कहते हैं। कहा जाता है कि स्त्रोत से प्रसन्न होकर महादेव ने लंकापति को रावण का नाम दिया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए यह स्त्रोत अचूक है। आइए जानते हैं इसके अर्थ के बारे में। जटा टवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। अर्थात जिन शिव जी की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, हे शिव जी हमारा कल्याण करें। जटा कटा समभ्रमा भ्रमण लिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल ललाल पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रत्ति प्रतीक्षणम ममा। अर्थात जिन शिवजी के जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शरीर पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता है। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धुर धुरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनी। अर्थात जो पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्षों में परम आनंद चित रहते हैं, उनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणी गण वास करते हैं, तथा जिनके कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर यानी आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिवजी की आराधना से मेरा चित सर्वदा आनंदित रहे। जटा भुजंग पिंग लस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंभ कुम द्रवा प्रलिप्त दिग्वधु मुखे मदांद सिंधु रस फुरत त्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भरतरी। अर्थात मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनके जटाओं में लिपटे सर्पों के फन की मणियों का पीले वर्ण प्रभा समूरूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, और जो हिरण की छाल से विभूषित हैं। सहस्र लोच ना प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांघ्र पीठ भू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट कहा श्रीये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरहा। अर्थात जिन शिवजी के चरण इंद्रादि देवताओं के मस्तक के फूलों की धूल से रंजित हैं, यानी जिन्हें देवतागण अपने सर के फूल अर्पण करते हैं, जिनके जटाओं पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वरज जलद धनंजय स्वलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन लिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनहा।
अर्थात जिन शिव जी ने इंद्रादि देवताओं का गर्भ दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया, तथा जो सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टी का धगत 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 ज्वलत धनंजया होती करता प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। अर्थात जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया, तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्र भाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर हैं, उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। आपको बता दें कि यहाँ पार्वती का अर्थ प्राकृति है तथा चित्रकारी सृजन है। नवीन मेघ मंडली निरुद्धर रसफुरत कुहु निशी थिनी तमह प्रबंध बद्ध कंधरा निलिंप निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंदुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा। अर्थात जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है, तथा जो कि जगत का बोझ हरण करने वाले हैं, वो शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रभद कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखज्जिदम गजच्छिदांद कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों को काटने वाले दक्ष यज्ञ विनाशक गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं, तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रसव प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। अर्थात जो कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का स्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संहारक दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत्वधभ्र विभ्रमम भ्रमद्भुजंग मश्यसा त्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराले भाले हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडवाह शिवाह। अर्थात अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फुफकार से क्रमशः ललाट में बड़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिवजी के सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। त्रिशुद्ध विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोस्तयो सुरद विपक्ष पक्षयो तृणा रविंद्र चक्षशो प्रजा मही महेंद्रयो समा प्रवर्ति का कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। अर्थात कठोर पत्थर एवं कोमल शैया सर्प एवं मोतियों की मालाओं बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों शत्रु एवं मित्रों राजाओं तथा प्रजाओं तिनको तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। अर्थात कब मैं गंगा जी के कछार गुम में निवास करते हुए निष्कपट हो सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। निलिंप नाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुंफ निर्भरक्षणम दुष्टि काम मनोहरा तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महिषिनम परीश रे परम पदम तदंग जत्वि श्याम चयाहा। अर्थात देवांगना के सिर में गूथे पुष्प की मालाओं के झड़ते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम
महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युग हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहें। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महास्त सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनिया शिवेति मंत्र भूष गो जगज्जयाय जायताम। अर्थात प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपणी अड़िमादिक अष्ट महासिद्धि तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों से परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित संसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्त मोत मम स्तवम पठन स्मरण भ्रुवन नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम विमोहिनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्त्रोत को नित्य पढ़ने या सुनने मात्र से प्राणी पवित्र हो परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजा वसान सम्मये दशवक्रत गीतम या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरांग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाते शंभु। अर्थात प्रातः शिव पूजन के अंत में इस रावण कृत शिव तांडव स्रोत के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ गज घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। इति रावण कृतम शिव तांडव स्रोतम संपूर्णम। यह पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यह स्रोत बहुत चमत्कारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं शिव तांडव स्रोत के फायदे और पाठ करने की विधि को। जो मनुष्य शिव तांडव स्रोत द्वारा भगवान शिव की स्तुति करता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नियमित रूप से शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से साधक को सात उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है और आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से मन की कामना पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि इसका प्रतिदिन पाठ करने से वाणी की सिद्धि की प्राप्ति भी की जा सकती है। भगवान शिव नृत्य चित्रकला लेखन योग ध्यान समाधि आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से इन सभी विषयों में सफलता प्राप्त होती है। शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से शनि दोष के कुप्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में सर्प योग काल सर्प योग या फिर पितृ दोष हो उन्हें भी शिव तांडव स्रोत का पाठ करना चाहिए। अब जानते हैं इसकी विधि के बारे में। शिव तांडव स्रोत का पाठ प्रातः काल या प्रदोष काल करना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी को प्रणाम करें और धूप दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। लंकापति ने पीड़ा के कारण इस स्रोत को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए गाकर शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। नृत्य के साथ इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करें। यह पाठ बहुत ऊर्जावान और शक्तिशाली माना गया है, परंतु यह पाठ करते समय किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना ना रखें। तो एक बार हमारे साथ फिर बोलें, अहर महादेव। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।